खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर कि जो वजीरगंज को डेवलपमेंट करने का सपना था, वजीरगंज को चकाचक बनाने का सपना था, तो हम जानते हैं कि वजीरगंज में जो सफाई का कार्यक्रम था वो पिछले दिनों से बाधित हुआ था। बाधित होने का क्या कारण रहा और यदि चाहते हैं कि वजीरगंज चकाचक बने तो सफाई किस तरह से आप करवाएंगे, क्या योजना बना रखे हैं आप? देखिए, मेरा कहना है कि वार्ड पार्षद से हम 10 नंबर से वार्ड पार्षद इमरान खान हैं। अस्थाई कमेटी या बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एनजीओ का रद्द कर दिया गया है और विभागीय काम अभी नहीं हो रहा है। और मतलब अपने तरफ से मैडम बोली था कि पैसा जो होता है हम देंगे, काम कराओ, 55 युवा स्टाफ रखो सब बार। नगर में इतना कचरा था तो हम लोग काम स्टार्ट कर दिए, बोर्ड में पास हो गया। हम कार्यपालक अधिकारी अनुपमा कुमारी बोले कि काम चालू करवाइए, पैसा हम देंगे। काम हुआ, बढ़िया से हुआ, नगर क्लीन हुआ, एकदम चकचक नगर हुआ। लेकिन जब एक महीना हो गया, स्टाफ पैसा मांगने गया तो डायरेक्ट इनकार कर दी कि हम पैसा नहीं देंगे। जब पैसा नहीं देंगे तो स्टाफ कोई भी काम नहीं करेगा। तो मैडम का कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं है नगर से, हम आए अपना मनमानी करेंगे, ना किसी को वार्ड को पूछेंगे, ना अध्यक्ष को पूछेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे। मेरा जो मर्जी रहेगा वही हम करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग को वैल्यू नहीं देती है, कुछ नहीं बोलती है, बुलाती है। अगर आइंदा आदमी चल जाए जो ना कोई पार्षद है ना मुख्य पार्षद है, उसको खूब वैल्यू देगी, पार्षद को तो वैल्यू नहीं देगी। अगर पंचायत में मनमानी कर पालक अधिकारी कर रहे हैं। कितने सफाई कर्मी थे जिनका की पैसा अभी तक रुका हुआ है? 45 सफाई कर्मी हमने बाहर बोर्ड में लिए थे और उससे हम काम करवा रहे थे। वो सबका पैसा नहीं मिला, एक रुपया नहीं दी मैडम। और मैडम तो इतना लता दी कि हम पैसा नहीं देंगे। हम कौन होते पैसा देने वाले, हमसे तुम मांगने वाले कौन होते? अरे नगर के अधिकारी आप हैं, आप ही के थ्रू काम हो रहा है तो पैसा कौन देगा? हम देंगे पैसा, वार्ड पार्षद थोड़ी देगा, मुख पार्षद नहीं देगा पैसा, पैसा मैडम देगी। नहीं तो इससे पहले भी सफाई चल रही थी ना, तो एनजीओ के थ्रू चल रहे थे। एनजीओ रिजेक्ट हो गया, मतलब उसका समाप्त हो गया काम, तो दूसरा एनजीओ बहाल किया गया। अभी नहीं बहाल किया, अभी बहाल नहीं किया जी, नहीं अभी बहाल नहीं किया जी। अभी मतलब आपस में विभागीय थ्रू हो रहा है कि आप काम करवाइए हम पैसा देंगे। बिल्कुल, हमने काम करवाना स्टार्ट कर दिया। जब पैसा लेबर को बोले तो बोलता पैसा नहीं मिलेगा जी। तो फिर क्या इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका निष्कर्ष यही निकलेगा, अब मैडम पर जो है, अब मैडम देगी पैसा तब नहीं चालू होगा। नगर में क्लीन नहीं रहेगा, नगर में कचरा का अंबार रहेगा। हम मांग उनसे यही करते हैं कि वो सबसे पहले जो स्टाफ बहाल किए हैं उसको पहले रिजेक्ट करें, क्योंकि बोर्ड से जो बहाल हुआ है उनको नहीं लिया गया, अपना मनमानी कर रही है, अपना मनमानी। और सबसे बड़ा बात है कि आइंदा आदमी को रखता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। वार्ड का वैल्यू नहीं, वार्ड से आप बात करिए, मिलिए। अगर मेरे वार्ड में गए हैं गांधी जयंती में तो हमको बुलाया नहीं गया, हमको पूछा भी नहीं गया, स्वच्छ पखवाड़ा में भी नहीं पूछा गया, मनमानी एकदम की है। अदर आदमी को बोला कि मेरे वार्ड में जाके झाड़ू ये वो लंद का फन कर रही है, कुछ नहीं होने वाला। जब वार्ड से आप पूछिए रहे हैं तो आपका काम थोड़ी होगा, मनमानी नहीं चलेगा। उसका कहना है कि हम जो बोलेंगे वो तुम सुनो, नहीं सुनोगे तो जाओ यहाँ से, कोई वैल्यू नहीं है वार्ड का। सबसे बड़ा बात उसका स्टाफ बहाल जो हो गया, नाजायज बहाल है। वो बोर्ड के मीटिंग में बोली थी कि डीएम से बहाल है, डीएम का लेटर मांगे नहीं दी, बोली हम बहाल किए। उसका वैल्यू नहीं है, जवान का कोई वैल्यू नहीं है। कई बोर्ड डीएम के बाद बोलती है, कई बोलती है हम बहाल किए। कब पटरी पर विकास आएगा उसके लिए आप तत्पर हैं, तो आगे की आपकी कार्रवाई क्या होगी? हमारी कार्रवाई यही है कि मैडम अपना मनमानी नहीं करे, मिल के चले, मनमानी करेगा तो कभी काम विकास नहीं होगा जितेंद्र नगर पंचायत में, क्योंकि हम लोग मनमानी नहीं करने देंगे। हम लोग आए हैं काम करने के लिए, जनता जिताया है कि मेरा काम हो, कि जनता बदनाम हो, हम लोग बदनाम नहीं करेंगे। हम लोग काम के लिए आए हैं, काम करेंगे, विकास करेंगे, नगर को क्लीन करेंगे। बिल्कुल, तो अभी आप सुन रहे थे पार्षद साहब का, पार्षद साहब बोल रहे थे कि हमारा जो काम है वो वजीरगंज का डेवलपमेंट का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे, यही हम ठाने हैं। तो उम्मीद किया जाता है कि इनकी उम्मीद जो है खरे उतरेगा धरातल पर।